गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल साहिल टेलीकॉम पे। और हर साल की तरह इस साल भी 2020 कोरोना महामारी के बीच में मैं आपको दिवाली के लिए इतने सारे नए कुछ डिज़ाइन लाया हूं। और आज मैं आपको सिखाऊंगा इस तरह मिट्टी बनाना सिखाना। और हमारी दुकान पे आप विजिट कर सकते हैं, पुराना रोडवेज चड्डा होटल वाली गली पे हमारी अपनी शॉप है, होलसेल व रिटेल की। जैसा भी आपको हो, जैसे आप रिक्वायरमेंट आपकी हो, वैसे हम डील करते हैं। और यूपी उत्तर प्रदेश पुराना रोडवेज जिला बरेली पुराने चड्डा होटल के पास में हमारी शॉप है, बिल्कुल ठीक सामने उसके। आपको होलसेल के लिए नैनीताल, ये मुरादाबाद, रामपुर, ये बदायूं, आसपास के जितने भी ज़िले हैं वो सारा बरेली से ही माल जाता है। हम आप लोगों के लिए हर साल दिवाली पे कुछ ना कुछ नया लाते हैं, और इस साल भी आपके लिए बहुत सारी वैरायटी आई है। आप आगे हमारी दुकान पे विजिट कीजिए, और मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नया कुछ दिखा सकूँ, सिखा सकूँ और नया कुछ दे सकूँ। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये है हमारा कटिंग खरबूजा। ये हर साल बहुत डिमांड रहता है इसका, और इस साल भी इसका अभी से ही डिमांड आना चालू हो गया है। यह है डबल मटकी, इसे बोलते हैं क्रॉस मटकी, इसकी भी काफ़ी डिमांड रहती है। ये हमारा अपना न्यू लैम्प, ये भी काफ़ी सेल आउट रहता है, इसलिए इसको भी आप विजिट करके देखिए। ये है हमारा तीन पत्ती कमल, इसका एक पांच पत्ती भी आता है, वो अभी मेरे पास आया नहीं है, वो एक आध हफ्ते में आ जाएगा। ये देख सकते हैं, ये फैंसी, ये तो बारह मासी बिकता है। ये है वुडन, ये लकड़ी का होता है वुडन लैम्प। ये देख सकते हैं, ये है प्रिंटेड पाइप हमारे, ये बहुत ही कम जगह आपको देखने को मिलेंगे। ये वुडन, ये ओम सतिया वाला वुडन है हमारा। ये सादा पाइप है जो अभी आपको दिखाया था ग्रीन कलर का, उसका ये सादा पाइप है। ये है चमकीला पाइप, ये वुडन, ये ज़्यादा डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है दिवाली पे, वो है ये वुडन। ये सिंगल मटकी, जो डबल मटकी अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने दिखाई थी, उसी की है, सिंगल मटकी है। इससे तीन डिज़ाइन बन जाते हैं। ये प्रिंटेड पाइप है हमारा, ये तो आपने अभी दिखाई चुका हूँ, ये आज आपको बनाना भी सिखाऊंगा मैं। ये कलश मटकी, सबसे ज़्यादा जो बिकती है वो यही है, बाकी सब वही वुडन। और जो बहुत सारी वैरायटी है, इतनी अभी आप मैंने अपनी शॉप पे लगा भी नहीं रखी है, और इतनी सारी मैं आपको एक एक करके दिखा भी नहीं सकता हूँ। जी आप देख सकते हो स्टार, ये सन 2020 और 18 में, वो 18 और 19 में डिमांड थी इसकी, लेकिन ये था नहीं, डाई इसकी ख़राब हो गई थी, तो इस चक्कर में माल दे नहीं पाया था मैं। इस साल मैंने इसलिए पहले से बहुत ज़्यादा ही क्वान्टिटी रखी है, जैसे कि लोगों की डिमांड रहती है कि भाई पिंक कलर, वाइट कलर और ब्लू कलर, ये सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। इसलिए आप थोड़ा सा पहले आइए, दिवाली नवंबर में है, सन 2020 नवंबर में ही है दिवाली, जानते हैं, हाँ नवंबर में ही है। आप अक्टूबर में आके मेरे पे सारी वैरायटी, सारे कलर मिल जाएंगे। बाकी आप देख ही चुके हैं, जितना भी शॉप पर लगा है वो आपको मैं दिखाई चुका हूँ, और आज मैं आपको बनाना सिखाऊँगा ये कलश मटकी। बाकी जितना जल्दी आ सको उतना जल्दी आना, दुकानदारों के लिए यही है, क्योंकि दुकानदारों के लिए फिर लास्ट में माल नहीं मिल पाता है, कलर नहीं मिल पाते हैं, वैरायटी नहीं मिल पाती है। अभी इस टाइम इसमें सारी वैरायटी भी मिलेगी, सारे कलर भी मिलेंगे, जो आपकी डिमांड रहती है वो सारा मिलेगा। अभी लास्ट में ये रहता है कि बचा हुआ माल जो है वो है, बाकी सब पहले ही बिक जाता है। जिन लोगों को पता है वो लोग तो ले जाते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग बाद में आते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई कलर नहीं है, ये नहीं मिल पा रहा है, ये डिज़ाइन लगा ये नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि बाद में लास्ट हम ये सैंपल अपने बेचते नहीं है, जो सैंपल लगा है वो लगा ही रहेगा, उसको हम कभी नहीं बेचते। लास्ट में जब दिवाली से एक दो दिन पहले ही सेल आउट करते हैं, वरना वो लगा रहता है, कस्टमर आते हैं कि भाई ये अच्छा लग रहा है, ये हमें चाहिए, या ये अच्छा लग रहा है, ये चाहिए, वो उस टाइम हम नहीं दे पाते। ठीक है, चलो भाई, जैसा कि मैंने आपको बोला था वेटिंग करते हैं, बाकी सब मैं आपको दिखाई चुका हूँ। ये हमारी कलश मटकी, इसमें तीन साइज़ के पत्ते लेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ये तीन छोटे छोटे पत्ते रखेंगे, तीन तरीके के रिंग है इसमें, एक बीच वाली जाली, ये सबसे लास्ट में नीचे लगेगी, और ये मेन है इसकी, ये हमें स्टार्ट यहाँ से करना है कि सबसे ऊपर से इसको यहाँ से ये लॉक, इस तरीके से लॉक फंसाना है, ये जितने भी लॉक हैं सिर्फ लॉक में लॉक फंसाना है जितने भी। ये एक फंस गया है हमारा, इसी तरीके से दूसरा ये रिंग है, इसको बीच में हाथ डाल के इस तरीके से ये फंसा देना है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, सिर्फ लॉक में लॉक फंसाना है। कटिंग वटिंग इसकी सब करीबी मिलेगी आपको पहले से, सारी कटिंग पहले से करीबी मिलेगी आपको, सिर्फ रिंग लगा देने इस तरीके से सारे। पहली बार में हो सकता है आप लोगों को थोड़ा टफ लगे, लेकिन जब आप एक दो बार इसको बनाना कोशिश करेंगे तो ये आराम से बन जाएगा। गाइस, ये हमारा ये पैक तैयार हो गया, इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर लेना है, इसके बाद
जो सबसे छोटे वाले हमारे सबसे छोटे वाले ये हैं कार्ड हमारे, इनको सिर्फ एक एक कार्ड को सबसे ये नीचे से हार डालना है इस तरीके से। ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लॉक में लॉक एक एक डाल के लगाते जाना है बस। इसी तरीके से अब ये हमारे जो बड़े वाले पत्ते हैं, इनको बड़े वाले पत्तों को इनके सेकंड पार्ट में लगाना है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये सब जो लॉक, ये आप कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कहाँ से क्या करना है, ये कटिंग करा हुआ है, इसको सिर्फ थोड़ा सा मोड़ के और इनकी ग्रिप बनी हुई है, खांचे बने हुए हैं, इन खांचों में सिर्फ जोड़ना है हमें। और जितना प्यार से आप कोशिश करेंगे, जितना आप माइंड फ्री होकर बनाएंगे, ये आराम से बनेगा। हमारी यहाँ की लेबर एक दिन में ये दो तीन सौ पीस बनाती है एक दिन में सिर्फ, क्योंकि वो लोग ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं बना बना के, उनके हर दूसरे तीसरे दिन बना रहे हैं तो उनका हैबिट में आ गया है सब ये। जैसे कि ये हो गया कंप्लीट हमारा, अब है इसका ये बीच वाला पार्ट का, जो बीच वाला है इसका, इसको ये कटिंग करा हुआ है पहले से, इसको सिर्फ यहाँ पे लॉकों में फंसाना है। ये इस तरीके से सिर्फ लॉक में फंसाना है। ये एक तरफ से हमारे लॉक लग गए सारे, सेकंड पार्ट में इसको इसी तरीके से नीचे दिया गया है। कंप्यूटर ये हमारे लास्ट जो बचा है, ये सबसे बड़े वाले लास्ट कार्ड बचे हैं, इनको सबसे नीचे ये यहाँ पे इस तरीके से जैसे ऊपर वाले लगाए हैं वैसे ये लगाना है सारे हमारे। आप देख पा रहे हैं हुआ है कंप्लीट हमारा ये। अब इसमें गाइस बहुत आसान है, आप लोग एक बार ट्राई जरूर करना, फिर आपको सब इजी लगेगा। जैसे कि आपने देखा जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। इसमें ऊपर से एक बल्ब, एक होल्डर लगा देना, एलईडी बल्ब लगा देना, बनने के बाद ही आप कहीं भी आपका लॉबी में, रूम में, बालकोनी में कहीं भी लगा के आप टांग सकते हैं। बल्ब निकाल के बल्ब जी इस तरीके से ये बल्ब लगाया हमारा सही, नीचे से ये बल्ब लगा देंगे इस टाइप से, सही हो स्टार्ट। तो गाइस आज हम अपनी वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। आज मैंने आपको कलश मटकी कैसे बनेगी ये बना थोड़ा इसकी टिप सिखा दी है। बाकी आप अपनी शॉप के लिए, अपनी दुकान के लिए, हमारी दुकान से विजिट करना चाहते हैं तो ये मेरा कार्ड है, ये मेरा नंबर है, इस पर आप इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, रोक सकते हैं, इस पर नंबर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे मैं आपको रेट, प्राइस, पीस जो भी है उस आपको उस तरीके से भेज दूँगा रेट आपके व्हाट्सअप पे। और बाकी आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जो भी आपको कुछ दिक्कत लग रही है, कोई चीज़ अगर आप ले जा रहे हो बनाने नहीं आ रही है फिर सीजन में, तो आप उस पर कमेंट कर सकते हो मुझे, मैं आपके कमेंट में रिप्लाई करूँगा आपको हो सकता है। और जो भी आप कोई चीज़ को पेन ड्राइव में आप बनाने नहीं सकते हो तो मैं आपको बनाना सिखा दूँगा, ठीक है सर। तो गाइस अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको कुछ और जो कमेंट आएगा वो बना के सिखाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय एंड खुदा हाफिज़।